स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दादा। शुभारंभ क्या क्या करना चाहेंगे कि इस तरह की फैसिलिटीज इस एरिया में कितना बड़ा लाभदायक रहेगा लोगों के लिए? सबसे पहले FS एंटरप्राइजेस के सभी हमारे कमिटी मेंबर्स, मैनेजर, डायरेक्टर, चेयरमैन को दिल से बधाई देता हूँ, गहराई से, और शुभकामनाएं देता हूँ। वाकई में खुशी हुई कि हम बातें करते हमेशा कि हमारे एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पहल बहुत कम होती है। लेकिन ये जिस तरह से मैंने इस गाड़ी को देखा, वो ये जो पैसेंजर वैन भी है और पिकअप वैन भी है, अधिकतर लोग जो डिलीवरी करते हैं वो डीजल गाड़ियाँ होती हैं, ज़्यादा ज़्यादा CNG होती है, लेकिन ये बैटरी व्हीकल एक अपने आप में बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा दोनों एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से भी और पैसे की बचत से भी। फ्यूल कंजम्पशन हो, गैस कंजम्पशन हो, देश में उसकी शॉर्टेज है, अगर बैटरी पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसेंजर व्हीकल और पिकअप वैन अगर चलेंगे तो पेट्रोल और गैस की बचत होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है पेट्रोल और गैस के दाम भी कम होंगे। लेकिन मैं इन दोनों गाड़ियों की बात करूं तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसकी पहल हुई, शुरुआत हुई, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज इस डीलरशिप का उद्घाटन मेरे हाथों हुआ, और उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां ये रोड पे दौड़े, जो भी हमारे सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले हैं, वो लोगों तक समझाएंगे, क्योंकि हमारी आज भी एक मानसिकता है कि हम विश्वास नहीं कर पाते कि बैटरी की गाड़ियाँ भी चल सकती हैं, क्योंकि हम पहले पेट्रोल के अंदर सोचते थे, फिर धीरे धीरे हम CNG के लिए हमारा माइंड सेटअप हुआ, अब धीरे धीरे लोग बैटरी के लिए भी हो रहे। तो मैं सभी से कहूँगा कि बैटरी के ऊपर जो व्हीकल चलती है वो आपको बहुत सारी कॉस्ट है। मैं शॉकिंग हुआ जब मुझे कहा कि 50 पैसा पर किलोमीटर खाली चार्ज जाएगा, जहाँ हम पेट्रोल की बात करते तो अगर 10 का भी एवरेज है तो 8-9 रुपये किलोमीटर चार्ज आता, तो उसका मोर देन 20% फ़ायदा हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे यूज़ करें, इस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा ये गाड़ियाँ दौड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच। जय सबसे पहले मैं FS एंटरप्राइज के मालिक श्री फिरोज भाई, जो मेरे करीबी दोस्त हैं, छोटे फिरोज और श्याम भाई और राजू भाई, इनको तहे दिल से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जो इन्होंने पहल की है, दो पहल है आज के दिन पे, एक तो ये मेरा भाई शहर के लिए जो ई रिक्शा और ई स्कूटर और ई बाइक की जो इन्होंने लॉन्चिंग की है, जो साथ ही साथ देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, और हमारी जो भारत सरकार, जो मोदी जी ने जो प्रेरणा दी थी, और हमें बताया गया था कि देश के आने वाले दिनों के लिए ई रिक्शा हो या ई ट्रांसपोर्ट का जो माध्यम हो, काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी सुरक्षित रहेगा और काफ़ी मुनासिब रहेगा। तो एज ए मेक इन इंडिया और ई रिक्शा और ई इलेक्ट्रिक जो बाइक है वो जो शहर के लिए उपलब्ध FS एंटरप्राइज करा के दे रही है, तहे दिल से उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और ऊपर खुदा से या ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि इसी तरह से लोगों में जागरूकता फैलाए, अच्छा काम कर रहे हैं, साथ ही साथ में अपना व्यापार भी करते रहे और जागरूकता भी फैलाते रहे। और मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से इनको तहे दिल से मुबारकबाद। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे जहन में आया कि हाँ इस पद्धति पे बात करनी, बात करना चाहिए या लोगों को किसी भी प्रकार से सहयोग कर सके हम अपनी? नहीं, फिरोज भाई ने और श्याम भाई ने दोनों ने ये कहा था कि हम कुछ नया करना चाहते हैं शहर के अंदर, और किस तरीके से नया हो, तो इन्होंने एक मुहिम निकाली थी कि क्यों ना हम मोदी जी का आइडिया ले और इस शहर में लोगों को बताए, जागरूक करें, ताकि लोगों में भी जागरूकता फैले कि आज की तारीख में आने वाले दिनों के अंदर
अगर आपने देखा होगा कि पिछले 4-5-6 महीने के अंदर कोरोना काल के अंदर जो प्रदूषण का जो वातावरण था काफ़ी कम स्तर हो चुका है, और ये ई ट्रांसपोर्ट के जरिए यानी ई रिक्शा हो या ई स्कूटर हो या ई बाइक हो, उसके जरिए हम प्रदूषण पे काफ़ी रोक लगा सकते हैं, नियंत्रण भी रख सकते हैं, और इसमें 100% हम बोल सकते हैं कि आने वाले दिनों का जो भविष्य है वो पेट्रोल डीजल के अलावा ई रिक्शा या ई स्कूटर या ई बाइक यानी शॉर्ट में इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसका उपयोग ज़्यादा होगा और वही ज़्यादा चलन में आएगा। और इन्होंने FS एंटरप्राइजेस के जो भी मालिक है, मतलब जो मेरे तीनों मित्र हैं, इन्होंने दूरदर्शित देखते हुए शहर के हित के लिए और उनके खुद के हित के लिए भी अच्छा काम किया है। सर सरोज भाई, ये भी जानना चाहेंगे सर्विस सेक्टर को लेके किस प्रकार की आपकी नीतियाँ हैं? जवाब दो। आरम्भ हुआ है और एक बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में बताइए। बैटरी की गाड़ी है और हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा पोल्यूशन कम हो जाए और कॉस्टिंग कम हो जाए, हम लोग लाए। तो ये भी करना चाहूँगा, कंपटीशन भी बढ़ रहा है इस तरह से, तो किस तरह से आप देख रहे हैं मार्केट में कैसे कैप्चर करेंगे? हमारी मार्केटिंग टीम है, सब प्रोवाइड है, हर चीज़ की फैसिलिटीज है हमारे पास। कंपटीशन होने दीजिए नहीं होने दीजिए, हमारे को हमारा प्रोडक्ट बेचना है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और बिकेगा। तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ बताइए क्या खासियत है जो लोग अट्रैक्ट हों इस प्रोडक्ट से? और इसमें खासियत है कि अभी के टाइम में लोगों को एक ही सवाल होता है कि मैं चार्ज क्या करूँ, तो उसके लिए हमने ये चार्जिंग स्टेशन है, ये जो चार्जिंग स्टेशन है हम जगह जगह पर इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप ATM में जाके यूज़ करते हैं उस तरह से आपका आपको एक कार्ड दिया जाएगा, वो कार्ड आप यहाँ पे स्वैप करेंगे। ये आपके पास दोनों ऑप्शन है, चार्जिंग फॉर 2-व्हीलर, चार्जिंग फॉर 3-व्हीलर। आप इनको बताइए, आपने जैसे ही ऑप्शन चूज किया चार्जिंग फॉर 2-व्हीलर, तो 2-व्हीलर के लिए जो चार्ज होने वाली अमाउंट है वो आपके डेबिट कार्ड से डिडक्ट हो जाएगी, और ये जो चार्जिंग पॉइंट है इसमें सप्लाई एक्टिव हो जाएगा, और इससे आप आपकी 2-व्हीलर चार्ज कर सकते हो। सेम वे 3-व्हीलर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ये नंबर पॉइंट्स हम जगह जगह पे इंस्टॉल करेंगे, तो जो लोगों के मन में डर है कि मेरी बैटरी डाउन हो गई तो मैं क्या करूँ, ये जो सवाल है ये सवाल का जवाब लेके हम आए हैं। ठीक है, पैरेलली हमारा ये स्वैपिंग स्टेशन, आगे चल के जो बैटरीज आएगी, आगे चल के जो गाड़ी आएगी उसमें लिथियम-आयन बैटरी होगी। लिथियम-आयन बैटरी कंपेरेटिव टू लीड एसिड बैटरी ज़्यादा एडवाइजेबल है। ठीक है, वो बैटरी हम लोग स्वैप कर सकते हैं इजीली। तो हमारा प्लान है स्वैपिंग स्टेशन जगह जगह पे इंस्टॉल करेंगे। तो जो लोगों का मन में डर है कि मैं 4 घंटा गाड़ी चार्जिंग के लिए रुकूंगा तो मेरा धंधा कैसे होगा, ये जो डर है ये डर उसके मन से निकल जाएगा। आपको 5 मिनट में जितना टाइम आपको पेट्रोल पंप में पेट्रोल